हेलो फ्रेंड्स, प्रणाली रेसिपी हिंदी एंड मराठी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ आलू के पापड़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बिल्कुल खाते ही मुंह में घुल जाते हैं। ऐसे आलू के पापड़ आज मैं बनाने जा रही हूँ, तो चलिए बनाते हैं आलू के पापड़। ये 6 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं मैंने और इसको उबाल लिया था कुकर में। 4 सीटी लगा ली थी इसकी मैंने। और ये 1/2 कप साबूदाना लिया था और उसका मिक्सर ग्राइंडर में ऐसे पाउडर बना लिया है मैंने। और ये 1 टेबल स्पून काली मिर्च है और ये 1/2 टेबल स्पून नमक है और ये 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है। अभी सबसे पहले इस आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। ये देखिए, आलू को कद्दूकस कर लिया है मैंने। अब गैस पर एक बर्तन रखा है मैंने, उसमें 2 कप पानी डाल के रखा है। पानी को थोड़ा गुनगुना होने देते हैं। पानी हल्का गुनगुना हो चुका है। अब मैं इसमें ये साबूदाना का पाउडर ऐड कर देती हूँ और इसको फटाफट मिला लेंगे। साबूदाने का पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लिया है मैंने। देखिए, एक बैटर बन गया है इसका। इसको 5 मिनट तक उबलने देते हैं अच्छे से। देखिए, ये उबल चुका है। अभी इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर देती हूँ मैं। और अब ये जो आलू कद्दूकस कर लिया था वो इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हिलाते हुए पूरा मिक्स कर लेंगे। और अभी इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी मैं। पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है। पानी डालने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लिया है मैंने। अभी मैं इसमें ये काली मिर्च ऐड कर देती हूँ और ये नमक और ये लाल मिर्च पाउडर, और इसको मिक्स कर लेंगे इसमें अच्छे से। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया था। घुमाते हुए इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट तक अच्छे से उबलने देंगे। देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं और अपना आलू पापड़ का बैटर रेडी हो चुका है। गैस बंद कर देंगे और 5 मिनट इसको ठंडा होने देते हैं इस बैटर को। देखिए, ये बैटर अभी थोड़ा ठंडा हो चुका है। देखिए, इतना थिक हो गया है ये। अभी देखिए, इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन ले लिया मैंने। इस पे जो आलू का बैटर बनाया था हमने उसको ले लेंगे। देखिए इस तरह से, और इसको इस पॉलीथीन पे फैला देंगे। देखिए इस तरह से। इसको आप धूप में भी सुखा सकते हैं। पापड़ को, इस पॉलीथीन को धूप में रख दीजिए। ये पापड़ 5-6 घंटे बाद पूरे सूख जाएंगे। मैं तो अपने घर में अंदर ही सुखाती हूँ इसको। सुबह डाल के फिर शाम तक ये सूख जाते हैं घर में। फैन ऑन कर दीजिए तो फिर आराम से आपके पापड़ सूख जाएंगे।
ये देखिए 12 घंटे के लिए घर में ही डाल के छोड़ दिया था मैंने, और फैन ऑन कर दिया था। अब गर्मी है तो जल्दी सूख जाते हैं। तो ये देखिए अपने सारे पापड़ सूख गए हैं, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल आसानी से निकल जाते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अपने सारे पापड़ सूख चुके हैं। इसको एक डिब्बे में ट्रांसफर कर दिया है मैंने सारे पापड़ को, और ये 1 साल तक आराम से रहते हैं, तो आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं आपको ये तल के दिखाती हूँ। आलू के पापड़ तलने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल डाल के रखा है। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अभी इसमें देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं ये पापड़। देखिए बहुत अच्छे से फूल रहे हैं, बहुत अच्छे से सूख गए हैं ये। आप इसे घर में पक्का बना के देखिए, आपके भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, बिल्कुल फूले हुए। तो ये देखिए अपने पापड़ रेडी हो चुके हैं मस्त। ये देखिए बिल्कुल फूले हुए और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। आप घर में पक्का बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। टाटा।